तीसरा है नेशनल टेस्टिंग सेंटर, ये भी नया है, ये मैं बताऊंगा जरा आज क्या हो रहा है। सीबीएसई चूंकि अच्छा परीक्षा लेती है तो सब लोग अब कोर्ट से लेकर सब लोग सीबीएसई को ही परीक्षा लेने को कहते हैं। आज मैं आपको एक कागज देने वाला हूं, अभी सीबीएसई कितने परीक्षाएं कंडक्ट करती है, कुल मिला के साल में सैकड़ों परीक्षाएं कंडक्ट करती है और खुद के सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो है वो 17 लाख कैंडिडेट्स है उसमें, और अब हमने बोर्ड कंपलसरी किया है तो 5-7 लाख बढ़ेंगे। फिर 12वीं का बोर्ड एग्जाम है उसमें 12 लाख कैंडिडेट्स है। नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन जो होता है वो ग्रामीण इलाकों के छात्र परीक्षा देते हैं और उससे छठी में उनको परीक्षा मिलती है, तो 5वीं के छात्रों की परीक्षा लेती है नवोदय के लिए, उसमें 22 लाख कैंडिडेट बैठते हैं। एक जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग आईआईटी और बाकी सबके लिए जो होती है उसमें 14 लाख कैंडिडेट पिछले साल बैठे हैं। अब नीट की परीक्षा है मेडिकल की, उसमें 10 लाख बैठते हैं। फिर एक टीईटी है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 16 लाख कैंडिडेट बैठते हैं। एक एनईटी है प्रोफेसर्स के लिए हायर एजुकेशन में, उसमें 15 लाख कैंडिडेट बैठते हैं। दूसरी परीक्षाएं है छोटी छोटी अलग अलग भी, वो भी सीबीएसई लेती है, वो 1 लाख है। और रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है वो भी 15 लाख कैंडिडेट है। तो लगभग 1,12,00,000 छात्र कैंडिडेट्स की इम्तिहान साल भर में लेते हैं, यानी हर महीने 10 लाख लोगों की इम्तिहान हम ले रहे हैं। इट्स ह्यूज। और इसलिए ये 1,12,00,000 लोगों की परीक्षाएं जो है वो एक सुचारू रूप से चलने के लिए, क्योंकि सीबीएसई का मूल काम है कि अपनी बोर्ड एग्जाम करना और साथ में 18,000 जो स्कूल्स है सीबीएसई से अटैच उसका निगरानी ठीक करना, उसके बजाय वो एक परीक्षा का ही इंस्टीट्यूट बन गया। तो सारे विकसित देशों में परीक्षा की स्वतंत्र संस्था होती है जो एग्जाम स्पेशल होती है, वो हर तरीके की परीक्षाएं लेती है, वैसी ही नेशनल टेस्टिंग सेंटर है और ये तैयार करे, यह हमारी कल्पना है।